है इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। नागरिक सम्मान समारोह आयोजित, कोटा जिला के दयानंद सरस्वती सामूहिक भवन में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव राखी गौतम के द्वारा किया गया। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए कोटा जिला से ब्यूरो सोहन सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आज हम आपको फिर से कोटा राजस्थान लेके आए हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो सचिव है राखी गौतम, वो सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। चलते हैं और करवाते हैं आपसे रूबरू। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमसे जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना, उनके अनुभव लेना और उनमें जो ज्ञान का भंडार है उस ज्ञान को अर्जित करना है। और ये जहाँ तक शायद आपको भी पता होगा, ये प्रोग्राम का 8वां प्रोग्राम है, वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का 8वां प्रोग्राम। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम इनका अनुभव ले पाए, इनका ज्ञान ले पाए और इनके संस्कारों में चल पाए और इनका आशीर्वाद हमेशा जीवन पर्यंत मिलता रहे, यही मुख्य उद्देश्य है इनका। जो महिलाओं का प्रोग्राम था उसमें शक्ति सम्मान, निश्चित रूप से नारी एक शक्ति की मूर्ति है और शक्ति का सम्मान देवलोक से होता है। तो बस आज इस कोटा शहर में भी ये मान लीजिए कि देव परंपरा को कायम रखते हुए हमने शक्ति सम्मान रखा और हर नारी को मेरे हिसाब से शक्ति का रूप दिया गया है और शक्ति को सम्मान की आवश्यकता है। और जब पहले भी आपने देखा होगा देवकाल में भी नारी का नाम पुरुष से पहले आता था, उसी परंपरा को कायम रखते हुए नारियों का सम्मान रखा गया है। और जिस घर में देवी की पूजा होती है उस देव में लक्ष्मी विराजमान करती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोको कोला हो जाए, जो चाहो हो जाए, कोका कोला एंजॉय।